ये थर्ड पार्ट है। पिछले दो वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टैग वर्ड्स को यूज करके हम सही उत्तर की पहचान कैसे कर सकते हैं टीईटी के एग्जाम में। तो ये क्या किया गया है कि टोटल एनालिसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो बार बार शब्द यूज किए गए हैं और वो शब्द जो नेशनल पॉलिसी में यूज किए हैं करेक्ट आंसर ही होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पोजीशंस पेपर, टीईटी के प्रीवियस जो पेपर हैं उनका एनालिसिस, और स्कूल्स ऑफ लर्निंग जैसे बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, तो उनका एनालिसिस किया गया है जिसके आधार पर वर्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखना तो आप सिंपल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को समझते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी शब्द आता है वो राइट आंसर होगा। इस पार्ट में फोकस किया जाएगा लर्नर पर, यानी जो पिछले टीईटी के एग्जाम आ चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस किया है और जो स्कूल ऑफ लर्निंग है उनमें लर्नर को कैसे देखा जाता है। एक सजेशन पहले दे दूं कि जो भी इन टैग वर्ड्स को यूज करना चाहता है टीईटी के एग्जाम में, तो वो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पार्ट एनसर्कल या हाईलाइट या अंडरलाइन करता हूं उसको राइट डाउन जरूर कर लीजिए। हाँ, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ऑल पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो हैं, 150 क्वेश्चन हैं, उसमें से लगभग 70 प्लस जो पेडागोजिकल क्वेश्चन हैं उनमें ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। सो फर्स्ट है लर्नर को देखना है, लर्नर कैसा सही उत्तर क्या होगा लर्नर के रिगार्डिंग। अच्छा, जो स्टूडेंट साइंटिस्ट होगा, इधर साथ साथ में हिंदी वालों को छात्र विज्ञान याद होगा। जैसे देखिए कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो उनके फादर हैं जीन पियाजे, उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट वर्ड यूज किया था, तो ये देखिए वर्ड वहां से आ रहा है और पिछले क्वेश्चंस पेपर में भी ये राइट आंसर गिना गया है। डिस्कवरर, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर की थी वहां से। अच्छा, मीनिंग इनके लगभग सेम होंगे कि जो लर्नर है खुद फाइंड आउट कर रहा है, उनको कोई भी एक्सपेरिमेंट जा इंटरनेट जा लर्निंग मटेरियल जा बुक कुछ भी उनको दिया जाए वो खुद खोज कर रहा है। बेशक को एक मीनिंग की ही खोज क्यों ना कर रहा हो, एक सॉरी वर्ड के ही मीनिंग की खोज क्यों ना कर रहा हो और एक वर्ड की डेफिनेशन क्यों ना खोज कर रहा हो, उस वर्ड के डिफरेंट परसेप्टिव के, उस वर्ड को कोई कैसे डिफाइन करता है, कोई कैसे डिफाइन करता है, उसके बाद वो खुद डिफाइन, ये सारा कुछ मतलब ये बड़े बड़े शब्द लगेंगे लेकिन आपके क्लासरूम में आपके लर्निंग मटेरियल के साथ ही ये सारा कुछ होगा। लेकिन इसमें एक सेंट्रल आइडिया इतना समझ लेना चाहिए कि स्टूडेंट जो है एक्टिव है, बस और कोई बात नहीं है। एक्टिव कैसे है आगे चल के बताता हूं। अच्छा, और वर्ड क्या यूज किए जाते हैं, एक्सप्लोरर, यहां है छात्र विज्ञान हो गया, खोज करने वाला है ना। अच्छा, एक्सप्लोरर फाइंड आउट करने वाला, प्रयोग करने वाला, शोधकर्ता रिसर्चर, ज्ञान निर्माता इंग्लिश में है एक्सपेरिमेंटर लर्नर होगा। अब टीचर, पहले सिस्टम में टीचर जो था एक्सपेरिमेंट करता था और सिर्फ जो स्टूडेंट था वो उसको देखता था, उसको वॉच करता था, रिसीव करता था, लेकिन अब वो खुद कर रहा है। अच्छा, रिसर्चर हो गया, नॉलेज कंस्ट्रक्टर लर्नर होगा। अगर सिंपल डिफरेंस जहां ये लर्नर क्या है, सही उत्तर क्या होगा, गलत उत्तर क्या होगा, उसके लिए ये इमेज आपके लिए रखी है। ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, यहां पर ये टीचर खड़ा है और टीचर डिस्प्ले बोर्ड पर या चाक बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहा है। यहां पर पीपीटी भी रख दी जाए जहां और कोई, ये वाला बोर्ड मेरे वाला जो है 2.5 लाख का बोर्ड भी यहां रख दिया जाए, इस पर क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है और बच्चे उस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन इधर से ये बच्चों की तरफ जा रही है, दिस इज ए वन वे प्रोसेस, इतनी बात है, और बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ देखते हैं, तो वो उतने एक्टिव नहीं हो सकता है कि बच्चे सुस्त हो गए हो, सिर्फ सुन ही ना रहे हो, सुनने का नाटक कर रहे हो, तो ये बच्चे पैसिव हो गए हैं, तो पैसिव लर्नर इनको बोला जाता था। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड यूज किए जाएंगे वो रॉन्ग ही होंगे, ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। और ये न्यू सिस्टम है जिसमें बच्चा खुद एक्टिवली, बच्चा ने टीचर नहीं कर रहा, बच्चा एक्टिवली फाइंड आउट कर रहा है, जो पीछे हम शब्द यूज करके आए हैं
वट एवर दे आर डूइंग, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट पे क्या चेंज आ रहा है, तो उसको खुद आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें वो एरर कर सकते हैं। एरर की इंपॉर्टेंस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ने, कंस्ट्रक्टिविज्म ने बहुत ज्यादा मानी है। इसके लिए शब्द यूज किए जाते हैं, नोट कर लेने चाहिए आपको, अल्टरनेटिव कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन ये यूज नहीं करते, अल्टरनेटिव कंसेप्ट यूज करते हैं। ऐसे ये रिसर्चर की तरह काम करते हैं। अच्छा, उसी इमेज को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि बच्चे कितनी क्यूरियोसिटी से वो काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे पैसिव हैं। तो हिंदी में जिज्ञासु जहां भी आता है शब्द लर्नर के लिए, वो राइट आंसर होगा। मतलब बनाने वाले, मतलब मीनिंग मेकर है, ये वर्ड जरूरी है। अच्छा, मीनिंग मेकर है, मीनिंग प्रोवाइडर नहीं है। जो टीचर प्रोवाइडर नहीं है, प्रोवाइडर मीन के टीचर ने मीनिंग बनाए थे, एक टेक्स्ट बुक है, नाउन ही पढ़ाना है तो उसके मीनिंग बना के बच्चों को बता दिए, वो पुराना सिस्टम था। अब बच्चे खुद मीनिंग बना रहे हैं, उनको एग्जांपल दे दी गई 1, 2, 3, 4 और उनकी डेफिनेशन मीनिंग खुद बना रहे हैं, तो बच्चे एक्टिव हैं। एक्टिव को समझ लेना चाहिए। एक्टिव को हमें लगता है जैसे बीएड डीएलएड में टीच भी किया जाता होगा, मैंने अपने बुक्स में इसको लैबोरेटरी बताया है। एक्टिव मतलब है कि बच्चे सबसे पहले इमोशनली एक्टिव होंगे, दूसरा वो कॉग्निटिवली एक्टिव होंगे, तीसरा वो फिजिकली एक्टिव होंगे, चौथा वो सोशली एक्टिव होंगे। ये चार चीजें हैं। कॉग्निटिव एक्टिव का मतलब है कि वो थिंकिंग कर रहे हैं, जहां भी थिंकिंग रिलेटेड बच्चों से वर्ड यूज किया जाता है वो राइट आंसर ही होगा। सो एक्टिवनेस का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा, इमोशनल लेवल पर के बच्चे एंगेज हो गए हैं, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो गया है, इंटरेस्ट यहां लिख लीजिए। फिजिकल मतलब डूइंग कर रहे हैं, सोशल मतलब बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अपने मीनिंग जो उसने फाइंड आउट किया है उसकी बात कर रहा है, तो बच्चे एक्टिव हैं। ये द सेंट्रल आइडिया ऑफ, ये वीडियो नहीं देखनी, छोड़ सकते हैं अगर आप एक्टिवनेस ऑफ लर्नर को समझ गए। अब ये क्रिटिकल थिंकर हैं। क्रिटिकल थिंकर मीन कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसे इवेलुएट करके एक्सेप्ट करते हैं। क्रिएटिव थिंकर है, नई चीज क्रिएट करते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर है। दीज आर मेजर वर्ड, ये आगे जाके रिपीट भी होंगे, लाइफ स्किल की बात होगी तब भी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में है जिज्ञासु है, मतलब बनाने वाले हैं, सक्रिय है, मतलब पूर्ण विचारक हैं, रचनात्मक विचारक हैं, समस्या निवारक हैं। और कौन से सही हो सकते हैं? स्टूडेंट विद किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल जब वाक हम देखते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक का मतलब डूइंग से, अपनी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट से किसी चीज को समझना है, किसी चीज को करके समझना है, उसको हम कहते हैं किनेस्थेटिक को आप प्रेफर करोगे। एक बात बड़ी जनरलाइज है कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल हमेशा ही किनेस्थेटिक होता है, दैट इज वाई इसको राइट आंसर में रखा गया है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट। एक अच्छा लर्नर वो है जो कॉज एंड इफेक्ट को लर्न करना चाहेगा, कारण और प्रभाव को समझना, है ना। क्रिटिकली एनालाइज द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, कोई बुक है, पुरानी मिली है, हिस्ट्री की है, तो उसको गंभीर रूप से उसको विश्लेषण कर रहे हैं, वो विश्लेषण मीन पार्ट्स में करके उसको देखते हैं। पूछताछ आधारित अन्वेषण, है ना, इंक्वायरी बेस्ड एक्सप्लोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म में यूज किया जाने वाला, इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी लर्निंग, इंक्वायरी पेडागोजी, अगर ये वर्ड आता है तो हमेशा ठीक होगा। अच्छा, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, पहले भी आ चुका है, फिर आएगा। मैनिपुलेटिव्स, मैनिपुलेटिव्स वो छोटे छोटे ब्लॉक्स, टॉयज, जिनको बच्चे हिला के, इधर करके, ये जोड़ के, ऐसे करके देखते हैं, उनको मैनिपुलेटिव्स बोलते हैं। मैथ्स में छोटे मोंटेसरी में ये अक्सर यूज किए जाते हैं स्कूल में। अच्छा, एज ए प्राइमरी रिसोर्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, वही फिर आ गया किनेस्थेटिक सर, कि को हाथ से करने, हाथ से जो भी काम करने हैं, काम करके उस लर्निंग मटेरियल से नॉलेज को पैदा करना है, ये सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, इंक्वायरी बेस्ड एक्सप्लोरेशन साइकिल यहाँ मैंने बताया है।
तो इसके पांच स्टेप हैं, 5E के स्टेप भी हैं। यहां पर पहला है आस्क, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ट्रेडिशनल में हम इतनी इजाजत देते थे कि बच्चों को पूछना चाहिए आस्क? वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो पीछे एज ए रिसर्चर बात करके आए, खुद खोते हैं, खोजते हैं, क्रिएट करते हैं, नई चीज को क्रिएट करते हैं, आइडिया भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो क्रिएट किया है वो दूसरों से डिस्कस करते हैं, सोशल एक्टिवनेस आ गई ना। अच्छा, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, डिस्कस किया, रिफ्लेक्ट करते हैं, इसमें क्या गुड पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और बेटर कैसे किया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम इसको करना है तो मैंने कौन सी बातों का ख्याल करना है, मेरे से उसने क्या बढ़िया कर लिया है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वर्ड कहीं भी यूज किए जाते हैं तो ये राइट आंसर होगा। और क्या है, इनवाइट आइडियाज, एक बच्चा दूसरे बच्चे से नए विचार लेता है डिस्कशन में, ये होगा। अगर ये टेट के एग्जाम में से ही ऑप्शन ली गई है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन फिर बार बार आ रहा है, प्रोपोजिशन ये वर्बल ट्रांजेक्शन है, एक दूसरे से संचार है। अच्छा, एक्सप्लानेशन है, सल्यूशन है, एंड टेकिंग एक्शन है। ये बच्चा वही बात है कि इतना एक्टिव होगा, वे खोज भी करेगा और बताएगा भी, हाइपोथेसिस हो सकता है, स्टेटमेंट होती है वो, उसको प्रोपोजिशन बोलते हैं, और अपनी जो खोज की गई है वो दूसरों को बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे मिला है, एक्सप्लेनेशन हो गई। तो जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसका सल्यूशन, और उसके सल्यूशन के लिए एक्शन भी लेना है, विचार, अन्वेषण, प्रस्ताव, स्पष्टीकरण, समाधान, अंतरिम करना और कार्रवाई करना। ये अच्छे लर्न की निशानी है और ये राइट आंसर में ही शामिल किए जाएंगे। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5E मॉडल। 5E का फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। दूसरा है कि पहली ई कौन सी है, एंगेजमेंट है, दूसरी एक्सप्लोरेशन है, तीसरी एक्सप्लानेशन है, तीसरी एलेबोरेशन है, और पांचवी इवेल्युएशन है। याद करने के लिए आप सबसे लास्ट में हमेशा ही अगर कोई स्टेप भी आ जाते हैं, याद रखना है शुरू में ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स होते हैं, ये याद रखना है, और लास्ट में इवेल्युएशन होती है। और पर 5E के मॉडल में ये लास्ट में नहीं है, ये आपको बता दूं, ये याद रखने के लिए है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मॉडल पर 5 फेजेस हैं, एग्जैक्ट स्टेप नहीं हैं, ये 4 स्टेप होते हैं लेकिन ये साथ साथ में चलती रहती है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट में क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट जो बन जाता है उस एक्टिविटी में। मेरे ख्याल से इसको एक डायग्राम से करते हैं, ये इससे। हाँ, ओके। इवेल्युएशन को सेंटर में रखा गया है, इट मींस आपकी ये फर्स्ट स्टेज है, ये एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के लिए बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई टेक्स्ट है, कोई काम दिया जाता है टीचर के द्वारा। टीचर ने काम दे दिया और बच्चे उस काम को करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को दे दिया तो वो लग पड़े कि ये ऊपर से गिराए तो ये गिर जाता है, सिक्का जो है पानी में कैसे गिरता है, कितना टाइम लगता है, ऐसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लग पड़े हैं, उसको एंगेजमेंट बोल रहे हैं। दूसरा है कि अब एक्सप्लोरेशन के वो फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट करना है, उन्होंने इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। वो इंफॉर्मेशन उन्होंने फाइंड आउट की, दूसरा स्टेप हो गया। साथ साथ में इवेल्युएशन चल रही है, सेल्फ इवेल्युएशन, पीयर इवेल्युएशन, टीचर इवेल्युएशन, लेकिन सेल्फ और पीयर इवेल्युएशन डोमिनेट करेगी, सेल्फ और पीयर इवेल्युएशन डोमिनेट करेगी। थर्ड है कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ढूंढी है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन ढूंढी है ये इसको बताते हैं, ये एक्सरसाइज हो सकती है। ये हो सकता है कि कह दें कि टीचर को बताओ, ठीक है, ये बाद में हो सकता है कि ग्रुप को कह दें कि आप सभी को बताओ, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद एलेबोरेशन, टीचर को पता लग गया कि ये इतनी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी है, मान लीजिए इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो टीचर चाहता है ये अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए,
तो वो नए क्वेश्चन ऐड करता है, उसी कंसेप्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को फिर सोचना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट और टेक्स्ट जो भी काम दिया गया है वहां फिर जाना पड़ता है और फिर वो अपनी नॉलेज को ऐसे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन आता है, आंसर डिस्कस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फिर नॉलेज बढ़ती है, ऐसे एलैबोरेशन हो जाती है और लास्ट में वो टोटल इवैल्यूएशन करते हैं कि आज हमने क्या सीखा, उसमें क्या एरर की, उसमें क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, आगे से ऐसा समझने के लिए और क्वेश्चन क्या हैं जो फिर इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ने हैं। दिस इज टोटल इवैल्यूएशन, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन। ये हो गया 5E मॉडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है लर्नर हैव द एबिलिटी टू चूज देयर लर्नर ट्रैजेक्टरीज। ये वर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से लिया गया है। जहां भी ये वर्ड आता है बायस हो सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी राइट आंसर होगा। तो ट्रांजेक्टरीज का मतलब क्या है, इसमें एक तो बच्चे ने जो लर्निंग गोल है प्लस उसने जो डेवलपमेंटल पाथ के उस लर्निंग गोल को अचीव कैसे करना है, मैंने ये स्टेप्स लेने हैं, और तीसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग वो टीचर की पीयर की किसी भी हो सकती है, इन तीनों को मिला के जो ट्रांजेक्टरीज बोलते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने वर्ड बार बार यूज किया गया है। हिंदी में लक्ष्य और विकास सात्मक पथ, अगर सेंट्रल आइडिया ट्रांजेक्टरी का देखना हो तो पथ, ओके, तो और निर्देशात्मक गतिविधियां, ओके, ये वही रिपीटेड है।